ये सब कभी खत्म नहीं होगा। तुम बीच में कैसे आ गए? अरे तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ये लो देख लूंगा तुम्हें। उठो। क्या हुआ? बहरे हो क्या? सुनो। क्या सुनूं? अरे बेवकूफ ध्यान से सुनो, कोई लकड़ियां काट रहा है। ये जरूर लखा होगा। मुझे पता था भाई, वो तो पेड़ काट रहा है। हमें अभी के अभी लखा को रोकना होगा। लेकिन उसके पास तो हथियार है। लेकिन मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। सुनो बाद हम लोग जाएंगे। अरे मेरी टोपी कहाँ गई? मेरी टोपी। तुम्हारी टोपी मेरे पास है, मैं कैसा दिख रहा हूँ बताओ? मैं तुमसे नहीं डरता। मेरी टोपी वापस करो वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मेरी टोपी कहाँ गई? मुझ पे हंसना नहीं। हाँ मेरी टोपी वापस करो वरना कभी टोपी पहनने लायक नहीं रहोगे। ओ अच्छा। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? ये जगह ठीक है। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसे शौक लगेगा। भाई मुझे वापस करो। खुद ले लो डब्लू। ये ठीक नहीं है। भाई। ओ क्या हुआ? तुम्हें कुछ सुनाई दिया? लगता है कोई पेड़ काट रहा है। वो उधर जरूर लखा होगा। तुम्हें क्या लगता है? चलो देखते हैं। चलो। वो लखा ही है, पूरा जंगल खत्म कर देना चाहता है। तो वो हम क्या करेंगे भाई? तुम यही रहो, मैं देख के आता हूँ। इसे छूने से तो किसी को भी झटका लग सकता है। उछल के जाता हूँ। रुक जाओ भाई। रुको रुको, तुम
बंदर कैसे आ गए? पास में मत आना। रुको, ये तो बिजली की तार से जुड़ी है। मोटे गंदे भालू, मुझे मारोगे लेकिन इस बार मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। अगर इस बार मैं तुम्हारे घर के बाहर ही जाल बना दूं तो कैसा रहेगा? जल्दी से सो जाओ, जल्दी से उठ जाओ, दिन भर मछली पकड़ो और आराम करो। भाई को मछली बहुत पसंद है। मैंने इसे 3 गुना कर दिया है, देखते हैं तुम इससे कैसे बचोगे। टीवी से ज्यादा शौक लग सकता है इससे। भाई, भाई देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। डब्लू, मुझे लगा कि तुम अंदर हो। ओह, मुझे छिपने की जगह ढूंढनी होगी। मेरे ख्याल से मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और मैं यहाँ से सब देख भी सकता हूँ। जल्दी से सो जाओ, जल्दी से उठो, दिन भर मछली पकड़ो और आराम करो। अरे वाह, ये कैसी खुशबू है? सेब। अरे वाह, मुझे तो सेब बहुत पसंद है। अब ये कैसी खुशबू है? नहीं, वाह, तो बहुत अच्छा। ए भाई, भाई देखो मेरे पास कुछ है। भाई मेरे पास बहुत टेस्टी मछली है हमारे लिए। वाह, बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है। डब्लू, तुमने ये मछली कहाँ से फ्राई किया? भाई जरा संभल के। हाँ, ये लखे का बिछाया हुआ जाल है। ये आदमी हमें कभी भी चैन से जीने नहीं देगा। बाहर जाओ भालू। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत बढ़िया है। अरे भाई, तुम इतने खुश क्यों हो? डब्लू, हम इसे फ्राई कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक ग्रिल है। बहुत बढ़िया। भाई मुझे भी थोड़ा दो। दोनों गंदे मोटे भालू मेरे इलेक्ट्रिक जाल पर खाना पका रहे हैं। जब तक मैं आता हूँ तुम रुक जाओ। यहाँ से मैं उस तरफ जा सकता हूँ। भाई तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ये अभी तक जिंदा कैसे? इसकी चमड़ी बहुत मोटी होगी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कोई और रास्ता जरूर होगा। मुझे सोचने दो। डब्लू, तुम उस डंडे को उठाओ, जमीन पे दबा दो और जंप करके इस पार आ जाओ। सही है, तुम मुझ पे हंसते हो जब मैं नाचता हूँ। इसने तो मुझे ही दबा दिया, बेवकूफ कहीं। बहुत बढ़िया, तुम इसे ट्राई करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये लोग मजे ले रहे हैं। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ये सब कुछ लखे की वजह से है। हमें उसका एहसान मंद होना चाहिए। कितनी अच्छी खुशबू है। लखे। आ, आ, आ,
लखे, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें बारबेक्यू खाना है? क्यों नहीं?